देखो बच्चों, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक मैप बनाकर मैंने भेजा है। इसे ध्यान से देखो। ये है चन्हुडारो, कोटरड़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, रोपर, आलमगीर, रंगपुर, लोथल, रोजड़ी, अमरी। ये सारे लोकेशंस हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में आते हैं। मैंने आपको इसके पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक वीडियो भेजा है, उसे ध्यान से देखना। अब ये जो तमाम साइट्स और जो तमाम लोकेशंस हैं, इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। कोसी का काला राजा रुपए 5 बनवाया हरी से। कोसी का काला राजा रुपए 5 बनवाया हरी से, लोटा ढोल सुराही मिली गुजरात में। अब देखो, कोसी, को से कोटरड़ी और सी से सिंध। ये सिंध यानी क्या? सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी में बसा हुआ। तो ये जो कोटरड़ी है ये सिंध में आता है। काला से कालीबंगा और राजा से राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में आता है। रुपए से रोपर और 5 से पंजाब। अब 5 का मतलब क्या, मैं आपको बता चुका हूँ कि पंजाब 5 नदियों का संगम है, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और व्यास। ये 5ों नदियाँ फिर आगे सिंधु में आके मिलती है और सिंधु अरब सागर में आके मिलता है। तो देखो, को से कोसी कोटरड़ी, सी से सिंध, काला से कालीबंगा, राजा से राजस्थान, रुपए से रोपर, 5 से पंजाब। अब बनवाया हरी से बनावली। ये देखो, यहाँ पर बनावली लिखा है ऊपर, ये बनावली, बनावली बनवाया से बनावली। और ये बनावली यानि कहाँ पर आता है? हरियाणा, हरी से हरियाणा। लोटा से लोथल, लोटा से लोथल, ये रहा लोथल। ढोल से ढोलीवीरा, सुराही से सुरकोटड़ी। ये लोथल, ढोलीवीरा और सुरकोटड़ी, ये गुजरात में। देखो बच्चों, हड़प्पा सिविलाइजेशन 9th में भी है और 10th में भी है। मैं ये दोनों क्लासेस में भेज रहा हूँ। पहले तो आप इसकी इमेज को देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना आपने। अगर आपके पास में स्टेंसिल मैप है, प्लास्टिक वाला मैप जो मैंने आपको परचेस करने के लिए बोला था 10th वालों को, अगर है तो ठीक, नहीं है तो एक इमेजिनरी मैप बना लो और ये ऐसा मैप उसके ऊपर क्रिएट करो और ये लोकेशंस उसमें लोकेट करो। वीडियो भेजा है, वीडियो को ध्यान से देखो और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे YouTube पर कमेंट्स करो। ओके बच्चों।